हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। मैं पंकज और बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, आपको पूरी जानकारी देंगे और जो भी देश और दुनिया में जो न्यूज़ चल रही हैं फटाफट 5 मिनट में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप हमेशा इन चीज़ों का एडवांटेज उठाते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम हर बार करते हैं, तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस पर। क्या लग रहा है बिटकॉइन का फ्यूचर, आपको बता दें कि अभी जो है बिटकॉइन 73-7400 डॉलर पे चल रहा है और यहाँ पे इसको सपोर्ट है। जैसा कि हमने बताया था कि 7800 को ये ब्रेक करता है। कल अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, 7800 को अगर ये ब्रेक करता है तो 7400 डॉलर पे इसको सपोर्ट मिलेगी और आप देख सकते हैं 72-7400 डॉलर पे ये जो है इसको सपोर्ट मिल रही है। अगर इसको क्रैश करता है तो 6400 डॉलर तक ये जा सकता है, जैसे कि हमने 21 मई के अंदर आपको एक ट्विटर के हिसाब से और अपनी वीडियो के अंदर भी हमने आपको बताया था। लेकिन अभी जो हमें लग रहा है कि 7400 डॉलर पे फिलहाल अच्छी खासी सपोर्ट है और यहाँ से इसको रिवर्स करना चाहिए, कम बैक करना चाहिए। और हमें लगता है कि अगर ये 7800 डॉलर को दोबारा से आता है तो जल्दी आपको 8500 डॉलर पे दिखेगा और वहीं पे जो है इसको मेजर रेजिस्टेंस है, जिसको अगर वो क्रॉस करता है तो आपको 9400 और फिर 10,200 डॉलर पे ये दिख सकता है। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है कि आपको जो है अभी भी जो है वेट एंड वॉच करना चाहिए और वेट करना चाहिए 8500 डॉलर पे आने का। 8500 डॉलर पे इसको मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसके बाद ही इसके अंदर आपको एंटर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो बिटकॉइन का 8000 डॉलर से नीचे आने का जो रीज़न है वो है स्टेट रेगुलेटर्स की वजह से है, कि उनका क्रैकडाउन की वजह से, कि जो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं या मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें सेलिंग आई, हैवी सेलिंग आई और इस रीज़न की वजह से शॉर्ट टर्म में जो है पैनिक फैल गया है मार्केट के अंदर। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 2000 बिटकॉइन जो है ट्रांसफ़र हुए थे ज़ेपो से, तो उसकी वजह से भी रीज़न ये माना जा रहा है कि सेल हुआ है। और जो दूसरा रीज़न जो मेजर माना जा रहा है कि जो चाइनीज़ रेगुलेटर्स की वजह से जो चाइनीज़ और स्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने रेगुलेशन, उसको भी जो है एक बहुत बड़ा रीज़न माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें 7200 पे सपोर्ट है, 7400 डॉलर पे इसको सपोर्ट है। अगर इसको ये ब्रेक करता है, अच्छे वॉल्यूम से क्रैश करता है तो 6400 डॉलर पे आ सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं और जल्दी आप जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को कम बैक करते हुए देखेंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं बिटकॉइन की। दोबारा से एक अच्छी खबर आ रही है, जो टॉम ली हैं, जो कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट नोन नेम है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर। उनका कहना है कि बिटकॉइन को आप 25,000 डॉलर पे जल्दी ही देखोगे और उसके जो 3 रीज़न है उन्होंने अब बताए हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि अगर बिटकॉइन 6,000 डॉलर से ऊपर रहता है तो माइनिंग कॉस्ट जो है उसकी वर्थ रहेगा माइनिंग करना, तो एक ये मेजर फैक्टर बताया। और दूसरा उन्होंने मेजर रीज़न बताया कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो जो है आकर्षित हो रहे हैं इसकी तरफ में, तो उनका कहना है कि आप जल्दी ही बिटकॉइन को 8,000 डॉलर से 25,000 डॉलर पर देखोगे। और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेडिक्शंस पुरानी जो है वो सही रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं 25,000 डॉलर आपको जल्दी ही बिटकॉइन देखने को मिलेगा। दोस्तों, चलते हैं आप दूसरी बड़ी खबर। और आपको बता दें टिम ड्रेपर, जो कि एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर और एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं और बहुत नई जो स्टार्टअप्स हैं जैसे कि फेसबुक तक के अंदर और जो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंपनीज के अंदर उन्होंने जो है एज ए इन्वेस्टर वो इंक्लूड हैं। और उनका मानना है कि जो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो जो है रिप्लेस कर सकती है जितने भी जो इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है। और हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसी चीज़ का डर लगता है और जिस वजह से वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा झिझकती हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है वर्ज से रिलेटेड। और आपको बता दें वर्ज जो है 2 महीने के अंदर दूसरी बार जो है हैक हुआ है और 1.4 मिलियन जो डॉलर के वर्ज हैं वो चुरा लिए गए हैं। और आपको बता दें पूरा का पूरा जो मामला है ऑलमोस्ट 21 मई को जो है डॉज अटैक उस पर हुआ था और उसको जो है कंपनी रिजॉल्व करने के लिए लगी हुई है। और उनका कहना है कि जो कुछ माइनिंग पूल जो है डॉज अटैक के अंदर आए हैं और उसकी वजह से जो ब्लॉक बनने में भी डिले हो रहा है और आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 35 मिलियन वर्ज जो है चुरा लिए गए हैं कुछ घंटों के अंदर ही। तो दोस्तों, हम तो यही कह सकते हैं कि शर्म आनी चाहिए उन चोरों को और डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू पानी के अंदर। और वर्ज भी एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए और थोड़ा सा अपने जो है नेटवर्क को और माइनिंग को और हैकिंग प्रूफ बनाना चाहिए। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है साउथ अफ्रीका से। और आपको बता दें साउथ अफ्रीका में 13 साल के एक मासूम बच्चे को कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया और उसके अगेंस्ट में फिरौती मांगी है उन्होंने 15 बिटकॉइन की, जो कि ऑलमोस्ट 1,20,000 डॉलर बनते हैं। शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर में पानी में डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि ऐसे काम करते हैं और जिसकी वजह से जो है क्रिप्टो करेंसी बदनाम होती है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है यूके इंग्लैंड से। और आपको बता दें वहाँ पे जैसा कि आप सबको पता होगा ये महीना जो है रमज़ान का महीना चल रहा है और इसके अंदर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो रोज़े रखते हैं और बहुत पाक महीना कहा जाता है। तो वहाँ की एक मस्जिद ने जो है टेल्स्टन ईस्ट लंदन के अंदर है, वहाँ पे जो है उन्होंने डोनेशन एज अ डोनेशन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडिया से। और आपको बता दें इंडिया में जो है बिटकॉइन पे गवर्नमेंट जो है 18% क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगा सकती है और जो है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के लिए उसको कंसिडर किया जाएगा। इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो कल बना चुके हैं और आप वो वीडियो का जो लिंक लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं और वो वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं और ज़्यादा जान सकते हैं कि कैसे आप एज अ ट्रेडर और माइनर पे आपको टैक्स लग सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं ज़ेपे की। और जैसा कि आपको बताया ज़ेपे लगातार नई क्रिप्टो करेंसीज को अपने प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करता जा रहा है और आज जो है उन्होंने एक नया कॉइन दोबारा से प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस किया ट्रेडिंग के लिए, जिसका नाम है एटर्निटी और AE उसका जो कोड है। आप जो है वहाँ पर वो ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं ज़ेपे के प्लेटफॉर्म। दोस्तों ज़ेपे के बाद में अब यूनोकॉइन भी, जैसे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंजेस है इंडिया के अंदर ज़ेपे, यूनोकॉइन और कॉइनएक्स, उसकी तरफ पे अब जो है यूनोकॉइन ने भी कुछ अब कॉइन्स जो है लॉन्च करने शुरू कर दिए क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए और आप जो है यूनोकॉइन पे भी अब ट्रेड कर पाएंगे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी। और दोस्तों इसी के चलते उन्होंने 4 नए कॉइन लॉन्च करे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो टू क्रिप्टो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा इन चीज़ों का एडवांटेज उठाते रहें। अभी के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।